और तो क्या कड़क धूप है, ठंड भी है और कड़क धूप है। मुंबई की याद दिला रही है धूप। अब आ गया है टाइम अपना क्लब महिंद्रा को कहने का अलविदा। और क्या बादल, ऐसे नहीं लग रहा पिक्चर पेंटिंग किया हो किसी ने। ऑल्सो प्रे गॉड की एवरीथिंग वर्कड आउट सो वेल। आई हैव एंजॉयड थरली। द रूल मोटर व्हीकल एक्ट, गाड़ी को ले जाके उसपे रखिए थाने में, ये कोर्ट से छुड़ा लेंगे जनाब। दिस इज द गवर्नमेंट प्रोटोकॉल, वी आर नॉट डूइंग इट बाय आवरसेल्फ। गवर्नमेंट प्रोटोकॉल, GOVT, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल ब्रदर, दैट इज। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम क्लब महिंद्रा नालदेरा, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गोल्डन मंकीज। केम छो मजामा। एब्सोल्युटली स्टनिंग व्यूज फ्रॉम दिस क्लब महिंद्रा प्रॉपर्टी ऑफ नालदेरा। बहुत ही मजा आया है, तगड़ी नींद काटी है, पूरा रेस्ट किया है, रात को बॉडी को पूरा रिकवर करने के लिए टाइम दिया है। और अभी जाते हैं फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट, बहुत भूख लगी है। और बाहर तो क्या कड़क धूप है, ठंड भी है और कड़क धूप है। मुंबई की याद दिला रही है धूप। तो बढ़िया से ब्रेकफास्ट के बाद अब आ गया है टाइम अपना क्लब महिंद्रा को कहने का अलविदा। यहाँ से अपनी रिटर्न जर्नी शुरू हो रही है। अभी देखते हैं बॉम्बे हम कैसे जाते हैं, बीच में क्या देखते हैं, कैसे है। एक्साइटमेंट तो बनी रहेगी, रिटर्न जर्नी भले स्टार्ट हो चुकी है बट 3 दिन लगने वाले हैं। तो 3 दिन में क्या क्या देखते हैं, एंजॉय करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और कैसे मुंबई पहुँचते हैं, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और ये लगेज अपना हो गया है पैक, बेलबॉय आएगा अभी और ले जाएगा। तब तक हम जाते हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी को करते हैं चेक, करते हैं स्टार्ट। और वो खड़ी अपनी द स्कॉर्पियन किंग शान से। तो दोस्तों क्लब महिंद्रा से हो चुका है अपना चेकआउट और शुरू करते हैं अपनी आज की जर्नी लेके प्रभु का नाम। तो बोलो गणपति बापा मोरिया। और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं मशोबरा होके शिमला की तरफ। शिमला मार्केट में थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग वगैरह, टाइम पास, ग्रोसरी। मुंबई तक का सफर अभी अपना और 3 दिन का है, रास्ते में शायद और कहीं पे रुक जाए, रैंडम प्लान बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अब हम क्रॉस कर रहे हैं शिमला मेन मार्केट। ट्रैफिक जैसे सिटी में होता है वैसे शिमला जैसे छोटे से सिटी में भी इतना ट्रैफिक तो होता ही है। क्रॉस कर रहे हैं, अभी तक 2-3 पुलिस अफसर ने गाड़ी देखी, रूफ रैक देखा है, ऊपर लाइट लगी हुई है। पता नहीं किसी ने अगर देख के चालान मार दिया तो। और क्या बादल, ऐसे नहीं लग रहा पिक्चर पेंटिंग किया हो किसी ने। वो वहाँ पीछे छोड़ आए हम शिमला, शिमला से बाहर आ गए। यहाँ पे थोड़ी ग्रोसरीज, ये अपने सब वेजिटेबल्स वगैरह लेने थे तो भाभी ने यहाँ से सब ले लिया है। प्लेजेंट क्लाइमेट, इतनी खूबसूरती, ये सारी यादों को लेकर मैं मुंबई जा रही हूँ। होप सो यहाँ की पहाड़ियाँ मुझे वापस जल्दी से बुलाए। या माउंटेन्स आर ऑलवेज कॉलिंग, पहाड़ तो बुलाते ही है। माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड आई मस्ट गो आई कैन से, बट आई ऑल्सो प्रे गॉड की एवरीथिंग वर्कड आउट सो वेल।
आई हैव एंजॉयड थरली। और क्या ही ड्राइव था अपना, क्या ही ड्राइव था स्पीति का। एंजॉयमेंट तो ठीक था, टेंशन भी था, मजे भी थे, एक्साइटमेंट भी था, थ्रिलिंग था, एडवेंचरस था मेरे लिए तो। एडवेंचर इज अवर मिडल नेम, याद रखिएगा, गोल्डन मंकीज। कितनी सारी चीजें पहली बार हुई और ऐसा हमेशा कुछ ना कुछ कांड तो होते ही रहते हैं, लेकिन इस बार तो जो जो हुआ है यदि स्टुपिडिटी के वजह से और गाड़ी की स्टुपिडिटी की वजह से बोलो, क्या क्या बाप रे। 2-3-4 दिन तो परेशान रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी जर्नी पूरी हो गई, ट्रिप एज एक्सपेक्टेड कंप्लीट हो गई। एक दिन एक्स्ट्रा था तो वो भी हो गया, सब एडजस्ट। ऑल दैट वाज सो अमेजिंग, यानी प्लानिंग के साथ गए और अब रिटर्न जर्नी हो रही है। थोड़ा दुख तो हो रहा है, लेकिन क्या करें, मुंबई तो जाना पड़ेगा। कोई नहीं, अभी भी लेकिन 3 दिन है, 3 दिन में तो हम और क्या क्या हुल्लड़ मचाएंगे, तो देखते रहिए। तो हिमाचल एग्जिट करने से पहले हो रही है अपनी फाइनल शॉपिंग। यहाँ पे हम ले रहे हैं सिरप्स वगैरह, ये अगर आपको चाहिए जैम्स, ये क्रश, और ये वाइन। ग्रीन टी, अलग अलग फ्लेवर सब अच्छी है। थोड़ी बहुत शॉपिंग यहाँ से कर लेंगे, मैं खुश, बीवी खुश, हैप्पी। ये थोड़ी चॉकलेट्स, टी और सब फ्लेवर के जूस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इनके सारे जो ऑफेंसेस बनते हैं, कमर्शियल यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल, ओवर स्पीडिंग, दैट्स अ व्हीकल यू कैन गो एंड वेरीफाई योर स्पीड एज वेल, बट टुडे आई विल इंपाउंड योर व्हीकल। डीजे आपको ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई ट्रांजैक्शन, आप जो भी बोलो मैं कर दूंगा। बिल्कुल नहीं है, कोरोना के बाद कैश नहीं है। हाँ, मैं वो नहीं सर, मैं कैश नहीं तो कैश, रीजन क्या, बिकॉज ऑफ दिस गाइस लैंग्वेज आई विल नेवर हेल्प दिस। सर मैंने पहले ही बोला कि सर मैं यूपीआई पेमेंट करूंगा, मैं कोई टेंशन नहीं है। आप इनकी नहीं तो सर, गाड़ी एज पर प्रोटोकॉल मोटर व्हीकल एक्ट में कमर्शियल नहीं, एटीएम नहीं है मेरे पास, एटीएम कार्ड नहीं है, मैं मोबाइल से यूपीआई पेमेंट आपको कर सकता हूँ। कोई कहीं से कैश तो लेना पड़ेगा ना, कैश क्यों सर, मैं आपको पेमेंट करने को कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ऑफिशियल लाइसेंस इश्यूड बाय इंडियन गवर्नमेंट और डिजी लॉकर, उससे ज्यादा दैट इज अ थंटेक, दैट इज अ थंटेक। बट एट दिस टाइम ऑफ व्हेन यू नीड टू इंपाउंड आइदर द व्हीकल और यू पेइंग द फाइन, बट व्हाट इज माय रीजन फॉर इंपाउंडिंग माय व्हीकल, बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, आई हैव एवरीथिंग, यू कैन पे द फाइन, यू कैन पे द फाइन सर, आई एम रेडी टू पे द फाइन, आई हैव ऑलरेडी ऑफलाइन, नो ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, दिस इज अ गवर्नमेंट प्रोटोकॉल, वी आर नॉट डूइंग इट बाय आवरसेल्फ, इट्स अ गवर्नमेंट प्रोटोकॉल, GOVT गवर्नमेंट प्रोटोकॉल ब्रदर। Since and all you need a printout because we have it na on the cell. No ma'am, I'm just saying either pay it online, sorry, the cash or either give us a hard copy of your license or the RC, that's it. But hard copy, we can just remove the printout. If you don't have anything in both of them, then the third option is to impound the vehicle because you are not
ready to pay the fine offline. You are not ready to produce the documents, hard copy. Then the third option lies as only the impoundation of the vehicle. As per the Motor Vehicle Act. As you are recording, you can put it online. I'll be so happy. सारा मूड खराब कर दिया अभी तक के पूरे ट्रिप का एंजॉयमेंट का, क्या कहे। यानी ऐसा नहीं है कि पहली बार हमें इस ट्रिप में पुलिस ने पकड़ा है। हर स्टेट की पुलिस, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हर स्टेट की पुलिस ने हमें पकड़ा है स्पीडिंग, रूफ रैक या सिर्फ बाहर की नंबर प्लेट देख कर। फैमिली है, टूरिस्ट है, अच्छे से बात करने पे छोड़ देते हैं, छोटा मोटा फाइन लगा देते हैं या ऑनलाइन चलन कर देते हैं, लेकिन जाने देते हैं। और हरियाणा पुलिस का तो हमें बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आया। पहले तो उन्होंने कहा कि आप सिटी लिमिट्स में एंटर हो चुके हो, आगे 80 का बोर्ड था तो आप ओवर स्पीडिंग पे थे, उसका चलान है। फिर उन्होंने कहा चलान हम यहाँ पे देंगे नहीं, रसीद हम देंगे नहीं और पेमेंट हम सिर्फ कैश लेंगे। मैं बोला आप चलान काट दो, मैं पेमेंट करने को तैयार हूँ। फिर उन्होंने कैश का ही इंसिस्ट किया, मैं बोला मैं UPI से पेमेंट करूँगा, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट सब कुछ अलाउड है। तो उन्होंने कहा हमारे पास फैसिलिटी ही नहीं है। यहाँ पे मुझे थोड़ा शक होने लगा कि ये कहीं मुझे फंसा तो नहीं रहे हैं, इसीलिए मैं भी उनसे नड़ गया, मैं भी उनसे भिड़ गया कि मैं करूँगा सिर्फ डिजिटल पेमेंट। पूर्वी से मैंने कहा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा तो तू वीडियो रिकॉर्ड कर, जो हमारा हक बनता है। इससे वो लोग थोड़े और चिढ़ गए, तो उनमें से एक पुलिस अफसर मेरे मुंह के सामने आके मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसने भी बहस रिकॉर्ड करने की जगह पे वो पूर्वी के मुंह के सामने भी जाकर उसे रिकॉर्ड कर रहा है, उसे डराने की कोशिश कर रहा है। और जो महाशय सिविल ड्रेस में वहां पर खड़े थे, पता नहीं वो कौन थे, गवर्नमेंट के अफसर थे, RTO के अफसर थे। मेरे और पुलिस वाले के बीच में हो रही बहस के बाद फिर उनका दिमाग सटका और वो तो सीधा चढ़ गए हम पर, इसका गाड़ी इंपाउंड करो, कमर्शियल यूज ऑफ व्हीकल, रूफ रैक लगाया है, ये है वो है। अगर आप सीनियर अफसर हो, वहाँ पे रुके हो, आप देख रहे हो बाहर से आए हुए कुछ टूरिस्ट हैरेस्ट फील कर रहे हैं, यू कुड हैव सॉर्टेड द सिचुएशन इन अ बेटर वे। आप हैंडल कर सकते थे सिचुएशन अच्छी तरीके से, लेकिन उन्होंने तो सिचुएशन और भी खराब कर दी, हमें और भी इनसिक्योर फील करा दिया। ये ज़बरदस्ती कैश भरने वाला सिस्टम हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसी के लिए बात आगे इतनी बढ़ गई और इतना कुछ हो गया। फिर दो जने और आए और हमें कहा कि आप कैश भर दो, उसके बिना आप नहीं जा पाओगे। तो फाइनली अंधे कानून के सामने सर झुकाना पड़ा और मुझे कैश भरना पड़ा, ना मुझे रसीद मिली ना चलान मिला। और बाद में एम परिवहन के साइट पर जब मैंने चेक किया तो मेरे नाम पे एक 2000 का चलान हरियाणा पुलिस से ज़रूर आया था, लेकिन ना उसमें कोई फोटोग्राफ थे, ना उसमें स्पीड लिमिट मेंशन थी, कोई भी तरह की डिटेल नहीं थी। इस जबरन वसूली के वाक्य के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मेरा रवैया गलत था या मुझे समझने में कुछ गलती हुई थी या फिर हरियाणा पुलिस ऐसे ही कैश पेमेंट लेती है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। तो जो हुआ उस पर मिट्टी डालते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। तो दोस्तों फाइनली हियर वी आर एट द गोल्डन हट रिसोर्ट। ये है अंबाला नारनौल हाईवे पे 93 किलोमीटर, अगर आप वहाँ पढ़ सकते हो तो 152D हाईवे जो ट्रांस हरियाणा हाईवे है, 280 किलोमीटर्स का हाईवे है ये, बहुत ही बढ़िया हाईवे है। 100 की इस पे स्पीड लिमिट है, 93 किलोमीटर पे है ये गोल्डन हट रिसोर्ट और आज का हमारा स्टे होने वाला है यहीं पे। और सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ की ये वॉशरूम्स, इतने नीट, इतने क्लीन, ऐसे वॉशरूम्स तो मैंने कभी नहीं देखे, 5-star होटल्स में भी नहीं देखे, लेकिन ये सब प्रॉपर्टी पूरी नई बनी हुई है तो इसलिए भी अच्छे से वेल मेंटेन्ड है और सही में इतने क्लीन है। बॉस एक मिनट को मैं बता दूँ, देख रहे हो ये लॉबी,
मसाला पापड़। एकदम घर जैसी सब्जी बना के दी है भैया ने, और भैया हमें पहचान भी गए कि हम दिसंबर में आए थे, और मस्त वाली जैन सब्जी बना के दी है उन्होंने। जैन सब्जी, बटर नान और रायता। आज का डिनर तो यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त हुआ है। तो भैया एकदम ज़बरदस्त डिनर किया यहाँ गोल्डन हट रिसोर्ट में। भाई जब भी आता हूँ तगड़ा डिनर करता हूँ यहाँ पे। तो आज का दिन तो हमने लड़ाई झगड़े में वेस्ट कर दिया, थोड़ा मूड भी खराब हो गया, लेकिन कल की सुबह लेके आने वाली है कुछ अच्छा सरप्राइज। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। आओ जो